हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक वर्मा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसका नाम है हुंडई वेन्यू। तो गाइस, हुंडई वेन्यू का जो प्राइस है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और गाइस इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है 3995 mm। जो गाइस इस गाड़ी की विड्थ है वो आपको देखने को मिल जाती है 1770 mm और गाइस जो हाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है इसमें 1590 mm, जो कि गाइस एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए सही है। इस गाड़ी के टॉप मॉडल में भी आपको हेलोजनी येलो लाइट्स मिल जाती है गाइस, जो कि प्रोजेक्टर के साथ है, और DRL भी आपको हेडलाइट में देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्टर इसमें है फॉग लैंप आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे गाइस इसका टर्बो वेरियंट है तो इसमें फ्रंट ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलती है, नहीं तो लोअर वेरिएंट्स में आपको क्रोम के साथ ही देखने को मिलती है फ्रंट ग्रिल। और गाइस फ्रंट बम्पर का लुक कुछ ऐसा आ जाता है सिल्वर फिनिश के साथ। ऑटो फोल्डेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM आ जाते हैं विद इंडिकेटर। टायर साइज की मैं बात करूं तो 215/60 R16 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं गाइस इस गाड़ी में। और इसमें जो टेल लैम्प है वो आपको हेलोजन ही मिलता है। LED लुक इसकी दे रखी है ताकि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। जो रिवर्स लाइट है वो आपको बम्पर पे मिल जाती है गाइस रिफ्लेक्टर के साथ, और रियर बम्पर की लुक कुछ ऐसी आ जाती है गाइस सिल्वर फिनिश के साथ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस आपको शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वाइपर, डिफोगर टॉप मॉडल में अवेलेबल हो जाता है ये सब। और गाइस इसके टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी अवेलेबल हो जाती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस गाड़ी में फ्यूल कैपेसिटी आपको 45 लीटर की मिल जाती है, और यहाँ आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस। ये इंजन आपको अवेलेबल हो जाते हैं हुंडई वेन्यू में। सो गाइस इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर से डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा आ जाता है हुंडई वेन्यू का, जैसे कि ये आप देख रहे हैं हुंडई वेन्यू का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको छोटी सी MID मिल जाती है, बाकी सब एनालॉग रहता है। 8 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, फीचर लोडेड है फुली गाइस ये। और यहाँ पे आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, उसी के ही ठीक नीचे आपको USB पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग इसके टॉप मॉडल में मिल जाती है गाइस, और ये गेयरबॉक्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं हुंडई वेन्यू में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, और एयर प्योरीफायर भी आपको दिख रहा होगा हैंड ब्रेक के ठीक पीछे ही। आर्मरेस्ट की लुक कुछ ऐसी आ जाती है गाइस, प्लेन है, कोई ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन वाला नहीं है ये। और आपको ग्लव बॉक्स में ऐसे कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, कीलेस एंट्री भी मिल जाती है, और यहाँ पे गाइस आपको चारों पावर विंडो, ORVM और डोर लॉक अनलॉक के फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको गाइस डोर लॉक मिल जाता है, जिसके ही ठीक आगे आपको ट्विटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं, कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि येल्लो ही रहती है, सही लगती है गाइस। मैनुअली डे नाइट आपको IRVM मिल जाता है SOS टेक्नोलॉजी के साथ। और गाइस ये फ्रंट सीट्स की लुक देखने को मिल जाती है, जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको इसमें मैनुअल ही हाइट एडजस्टेबल और इग्नाइटर मिलती है, इलेक्ट्रिक नहीं मिलती टॉप मॉडल में भी। और गाइस जैसे ये टर्बो वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे रेड स्ट्रिप मिल जाती है, हल्का हल्का रेड टच मिल जाता है इंटीरियर में। डुअल टोन इंटीरियर नहीं मिलता, ऑल ब्लैक ही मिलता है टर्बो वेरिएंट में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बैक डोर था। और गाइस ये रियर सीट्स है जिसमें कि आपको 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे गाइस आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। और गाइस पीछे आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सिल्वर फिनिश मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है गाइस इसमें आपको, और 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके है। हो गाइस ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल हो जाती है। इस गाड़ी में 8 कलर्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और भी इंफॉर्मेशन के लिए गाइस आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हैं, जो भी मैं वीडियो में नहीं बता पाया डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देता हूँ। और गाइस इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 190 mm का, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊँची भी नहीं है गाड़ी। सो गाइज़ यहाँ तक के लिए आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।